हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आपका भी फोन जो है इमेज ईएचई आईसी फॉर्मेट में, और आपको इसे करना है जेपीजी फॉर्मेट विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट इंटरनेट, विदाउट अनदर ऐप। आपको मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, आप लास्ट तक वीडियो देखते रहना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे न्यू वीडियो डेली लाता रहता हूँ और ये नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। आपको शायद पता नहीं होगी, क्योंकि आप ईएचई आईसी टू जेपीजी करने के लिए क्रोम पर या कौन से भी अदर जो है ब्राउज़र पर जाके, वेबसाइट पर जाके आप करते हो। पर मैं बताऊंगा आपको सिंपल सी मोबाइल एक ट्रिक जो ओपन करके आप इसे जेपीजी बना सकते हो। मुझे क्या हुआ था, मैं एक वीडियो एडिट कर रहा था और मैंने कुछ फ़ोटो वगैरह निकाले थे, उससे मुझे हमारा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें डालने थे, तो वो लिखा आ रहा था अनसपोर्टेड फाइल। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, तो मैंने क्या किया, सिंपल से आपको वो बताने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल से क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। आपको एकदम सिंपल ट्रिक है, आपको समझ में आ जाएगी। पर लाइक करना मत भूलना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आपको फ़ायदा होगा कि मेरी जो ट्रिक वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। और शेयर करना। तो भाई आपको क्या करना है, सिंपल से मोर पर जाना है, रीनेम पर क्लिक कर लेना है। अब जो ईएचईआईसी, अब जो आप क्या कर लीजिए, इस फाइल की एक कॉपी बना कर रखना, कभी कभी बार करप्ट भी हो सकती है फाइल। आपको ईएचईआईसी जो है ना ये कट कर देना है और जेपीजी लिखना है। जेपीजी लिखने के बाद ओके पर क्लिक करना है। चेंजिंग द फाइल एक्सटेंशन मे बी मेक दिस फाइल इज अनयूजेबल। तो आप जो है आप कर ये जो गाइडलाइन पढ़ लेना और इसकी एक कॉपी करके रखना, इसे डुप्लीकेट बना के रखना और इसे ओके कर देना है। ये जो मेरा फाइल जेपीजी में कन्वर्ट हो चुका है, और इसे कोई करप्ट होने का इशू नहीं आएगा। पर आपका फोटो वगैरह पुराना होगा तो उससे आ सकता है, इसलिए उसकी कॉपी भी बना के रखना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर आप बोलते हो मेरा फोटो वगैरह करप्ट हो चुका है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमारा एक्सटेंशन जो है बदल चुका है, आपको ऐप वगैरह की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।